नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी खबर, दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने आज हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की औकात बता दी। औकात इस कदर बता दी है, अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। कल शायद जब ये बात अखबार में छपेगी तो अरविंद केजरीवाल को कहीं छिपने के लिए, खास तौर पे मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और जगह नहीं मिलेगी आम आदमी पार्टी के उन बड़बोले नेताओं को, जो बार बार जनता के सामने झूठा ड्रामा करके किसी तरीके से इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाप और भ्रष्टाचार छिपाए नहीं छिप रहे हैं, ये इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को मुंह की खानी पड़ रही है। बुरा वक्त चल रहा है और बुरे वक्त में जितने बुरे कुकर्म होते हैं वो सब सामने आ जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल के कुकर्म तो उनके मुंह पर आकर जिस तरीके से गिर रहे हैं, सचमुच वो देखने लायक है। क्योंकि इस आदमी ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ फरेब किया है, हम आपको बार बार बताते हैं, बहुत भारी फ्रॉडों की एक फौज आम आदमी पार्टी के रूप में इकट्ठा हो गई है, और वो फौज किसी भी तरीके से एक भ्रम बनाने की कोशिश कर रही है जनता के सामने, जैसे इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर कोई कोर्ट, देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर बोलती है तो शायद उस पर जनता या जो भी व्यक्ति जो होगा वो ये सोचेगा कि शायद ऐसा हो। लेकिन अगर कोर्ट बोलती है तो आप कैसे सोच पाएंगे कि कोई भी सरकार किस तरीके से इनके साथ गलत कर रही है। लेकिन उलट में अगर कोर्ट इनको लताड़ मारता है, फटकार मारता है और इनकी कमी बताता है, तो आप समझिए कि ये कितने बड़े दोषी हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर वो कोर्ट ये कहे कि आप राजनीति के सबसे निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, आपको केवल, जो अरविंद केजरीवाल है आपके सर्वे सर्वा, वो केवल अपने हित को ऊपर रख रहे हैं, जनता के हित का उन्हें कोई लेना देना नहीं है, तिहाड़ जेल से सरकार चलाने का जो उनका एक ये प्रोपेगंडा चल रहा है, ये उनका अपना हित है, लेकिन इस चक्कर में जनता के जो हित थे, जनता के जो काम थे, कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। यानी कि दिल्ली के अंदर वो संवैधानिक संकट, जिस संवैधानिक संकट की हम बार बार बात कर रहे थे, जिस संवैधानिक संकट की बार बार संविधान को जानने वाले बात कर रहे थे, वो संवैधानिक संकट अब दिल्ली के अंदर खड़ा हो गया है। आज हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को लताड़ मारी है, सचमुच बहुत बेहद शर्मसार करने वाला है। अगर कोई और आदमी होता तो आज इस हाई कोर्ट के इस जजमेंट, इस वाक्यांश के बाद, इस टिप्पणी के बाद, शायद डूब के मर जाता या फिर इस्तीफा देकर अपने आप को पहाड़ों पर कहीं ले जाके छिपा लेता, कूद के आत्महत्या कर लेता। लेकिन क्योंकि ये केजरीवाल एंड कंपनी है, इसको शर्म आती नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट, आज हाई कोर्ट के बेंच ने साथ ही सौरभ भारद्वाज के बारे में, जो बहुत बड़बोले थे, उनके बारे में भी बड़ी सख्त टिप्पणी कर दी है। ये सारा मामला दरअसल है क्या कि एक पीआईएल हाई कोर्ट की बेंच के सामने एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो एमसीडी के स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, करीब 2 लाख बच्चे जो एमसीडी के स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उनका भविष्य खतरे में है, और उनको ना तो कॉपी दी जा रही है, ना किताबें दी जा रही है, ना ड्रेस दी जा रही है, ना पेंसिल, ना किताब, कुछ नहीं दिया जा रहा है एमसीडी की तरफ से। ये वही एमसीडी है, ये वही अरविंद केजरीवाल की सरकार की एमसीडी है, जो इतने वादे करती थी गरीबों के लिए, और गरीब इनके वादों, इनके झूठे वादों को सुनकर लट्टू हो जाया करते थे, वो अब बुरी तरीके से घायल होकर रो रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों की इस पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। और आज इसी बात को लेकर, इसी जो पीआईएल थी, इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को धो डाला है। देखिए, हम हाई कोर्ट की बेंच का ये ऑर्डर पढ़कर आपको बताते हैं किस तरीके से शर्मसार हो जाना चाहिए था अरविंद केजरीवाल को। कल अगर वो ये अखबार में जब ये ऑर्डर पढ़ेंगे
और ये बात हाई कोर्ट की टिप्पणी को पढ़ेंगे तो शायद उन्हें या तो डूब के मरना चाहिए या फिर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर वो संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे। बहुत बड़ी बात है, हाई कोर्ट में आज तक दिल्ली के इतिहास में नहीं भारत के इतिहास में आज तक किसी नेता के खिलाफ इतनी सख्त टिप्पणी हाई कोर्ट की किसी बेंच ने नहीं की है। बहुत शर्मिंदा करने वाली है, लेकिन क्योंकि केजरीवाल हैं ये शर्मिंदा होते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। हम आपको बताते हैं किस तरीके का फर्जीवाड़ा अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और हाई कोर्ट ने आज उनके बारे में क्या कहा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ सत्ता के इस्तेमाल में ही रुचि रखती है। दिल्ली की सरकार सिर्फ सत्ता में ही, दिल्ली की सरकार किसकी? अरविंद केजरीवाल की। यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ सत्ता में ही रुचि रखती है और अपनी गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर व्यक्तिगत हित को रखा है। ये हम नहीं कह रहे, ये हाई कोर्ट की बेंच कह रही है। इतनी बड़ी सख्त टिप्पणी आज तक किसी ने, शायद किसी नेता के खिलाफ किसी कोर्ट की बेंच ने कही हो। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 लाख से अधिक छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में विफल रहने पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ सत्ता के इस्तेमाल में ही रुचि रखती है और अपनी गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा ना देकर अरविंद केजरीवाल ने व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखा है। यानी कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपने बारे में सोचते हैं, उनके लिए देश जाए भाड़ में, दिल्ली की जनता जाए भाड़ में। कोई भी काम ऐसा नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने जो ये लगे कि केजरीवाल ने कुछ अच्छा किया। अब इसके आगे हाईकोर्ट क्या कहता है, बार एंड बेंच वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार पर ये तीखी टिप्पणी की है। इस पीआईएल में यह मुद्दा उठाया गया है कि एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिली और वे टिन शेड में अभी तक पढ़ रहे हैं। आज भी 5 स्टार स्कूलों की बात करने वाला आदमी आज टिन शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हाईकोर्ट बता रहा है इनको। आप समझिए कितना फरेबी, कितना झूठा, कितना मक्कार इंसान होगा अरविंद केजरीवाल और उसकी सेना। बता दें कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान अदालत की कार्रवाई में शामिल हुए एमसीडी आयुक्त ने कोर्ट से कहा था कि नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, ड्रेस और स्कूल बैग के वितरण ना होने का एक प्रमुख कारण एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होना है और केवल स्थायी समिति के पास ही 5 करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबंध देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है जो टेंडर देते हैं। दिल्ली सरकार के वकील ने सादान फरासात ने कोर्ट को बताया कि मंत्री सौरभ भारद्वाज से मिले निर्देश में कहा गया है कि एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की अनुपस्थिति में एक उपयुक्त प्राधिकारी को अधिक शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके हिरासत में होने की वजह से यह नहीं हो पा रहा है। फरासान की इस दलील को सुनने के बाद एसीजे मनमोहन ने कहा कि क्योंकि वहां खालीपन है, इसका मतलब यह नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ाई करने की अनुमति दी जा सकती है। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान एसीजे मनमोहन सिंह ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के व्यवहार पर भी कड़ी टिप्पणी की है और कहा कि छात्रों की दुर्दशा को लेकर उन्होंने आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे आदेश में सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल करेंगे, जो ऑर्डर कोर्ट लिखेगी, बेंच लिखेगी, उसमें सौरभ भारद्वाज को भी कोर्ट किया जाएगा, उनका भी नाम लिखा जाएगा। सीएम के हिरासत में होने की दलील पर कोर्ट ने कहा, यह आपकी मर्जी है,
क्योंकि आपने कहा था कि मुख्यमंत्री के हिरासत में होने के बावजूद सरकार काम करती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते। हमने अपने सामने आई जनहित याचिका में कई बार ऐसा कहा कि लेकिन आपके प्रशासन की मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर टिप्पणी करें तो हम पूरी शक्ति के साथ ऐसा करेंगे, ये बेंच ने कहा है। इसके बाद प्रशांत ने कोर्ट को एमसीडी के पास स्थायी समिति ना होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि एलजी जो उपराज्यपाल ने अवैध रूप से पार्षदों की नियुक्ति की थी और यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। साथ ही फरासान ने कोर्ट से यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास वैसे भी ज्यादा शक्तियां नहीं है। इस पर कोर्ट बिफर पड़ी, नाराज हो गई। कोर्ट ने आगे कहा, एक अदालत के रूप में किताबें ड्रेस आदि का वितरण करना हमारा काम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई अपने काम में विफल हो रहा है। आपके क्लाइंट सिर्फ सत्ता में रुचि रखते हैं, फिर केजरीवाल के लिए बोला, आपके क्लाइंट सिर्फ सत्ता में रुचि रखते हैं, मुझे नहीं पता कि आप कितनी शक्ति चाहते हैं। देखिए, जो शक्तियां उन्हीं से काम कीजिए, शीला दीक्षित से लेकर सभी मुख्यमंत्रियों ने किया, आप ही को क्यों प्रॉब्लम होती है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आप हमें हल्के में मत लीजिए। कोर्ट ने कहा, आप हमारी हिम्मत को मत आंकिए, आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। आपके बचाव के लिए ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में आप बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए एक ट्रेडिंग वस्तु बच्चे नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया और सोमवार को फैसला इस पर सुनाने के लिए कहा है। बहुत बड़ी निर्लज्ज टिप्पणी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर की है। इसके बाद इनके रुख में किस तरीके की चीजें आती हैं ये कोई नहीं जानता। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी उपराज्यपाल को सारे काम रोकने का बहाना बनाकर उन पर सारा ठीकड़ा फोड़ती नजर आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अरविंद केजरीवाल जो सत्ता के सुख के लिए, जो निजी हितों के लिए अभी तक कुर्सी से चिपके पड़े हैं, उस पर आज हाई कोर्ट ने खुलकर बोला और बेहद शर्मनाक टिप्पणी की। लेकिन देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो आम आदमी पार्टी जो चंडाल चौकड़ी है उस पर इसका क्या असर होता है। बहरहाल असर होता हुआ दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे तो शायद अरविंद केजरीवाल कल सुबह सुबह अपना इस्तीफा जो जूते की नोक पर लेकर चलते थे शायद फेंक के मारे के लीजिए मैं हट गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये अपने इलाज कराने आए थे, सुख भोगने आए थे, शीश महल का, सुरक्षा का, लाल बत्ती, वीवीआईपी कल्चर, मैं हूं, ये सारी चीजों का सुख भोगने आए थे। अभी इतनी आसानी से सुखों को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।